नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। क्या आपने शताब्दियों तक कभी किसी महिला की आवाज़ सुनने की कोशिश की है? क्या आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की है वो अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा सके? साल 1889 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5वें अधिवेशन में यह संदेश देकर एक भारतीय महिला ने भारत में नारी मुक्ति आंदोलन की नींव रखी। ये महिला कोई और नहीं प्रख्यात भारतीय विदुषी महिला और समाज सुधारक पंडिता रमाबाई थी। नमस्कार, आज की तारीख है 23 अप्रैल। रमाबाई का जन्म आज के ही दिन यानी 23 अप्रैल 1858 को महाराष्ट्र के एक चित पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे संस्कृत के विद्वान और शिक्षक थे। अपनी आजीविका के लिए मंदिरों में पुराण आदि का पाठ सुनाया करते। वह खुद भी एक समाज सुधारक थे और उनकी रुचि लड़कियों को शिक्षित बनाने में थी। उस समय समाज में लड़कियों के लिए शिक्षा निषेध थी। अपनी पत्नी और बेटी रमाबाई को संस्कृत सिखाने की वजह से उनके गांव के सभी ब्राह्मणों ने उन्हें गांव से निकाल दिया, जिस कारण उन्हें गांव छोड़कर जंगलों में भटकना पड़ा और वहीं जंगलों में रमाबाई का जन्म हुआ। रमाबाई जब छोटी थी तभी पूरे परिवार ने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया। रमाबाई एक ऐसे परिवार में पली बड़ी जिसने भ्रमण करते करते भारत के अलग अलग धार्मिक स्थलों की यात्राएं की, कथाओं का पाठ करके जीविका का प्रबंधन किया। 16 वर्ष की आयु में रमाबाई ने अकाल के कारण अपने माता पिता को खो दिया। माता पिता की मृत्यु के बाद रमाबाई ने भाई श्रीनिवास के साथ दक्षिण भारत से उत्तर भारत आने का निश्चय किया। धार्मिक ग्रंथों का गायन और पाठ करते हुए पैदल 25,000 किलोमीटर का सफर करने के बाद वह कलकत्ता आ पहुंची। तो वो कन्नड़, मराठी, बांग्ला और हिब्रू जैसी 7 भाषाओं का ज्ञान और संस्कृत भाषा में तो एक बेहद सदी हुई कमान हासिल कर चुकी थी। उनके इस असाधारण ज्ञान ने विद्वानों को चकित कर दिया और थियोसोफिकल सोसाइटी के केशव चंद्र सेन ने उन्हें पंडिता तथा सरस्वती की उपाधि दी, जिसका अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति और ज्ञान की देवी। अब रमाबाई पंडिता रामाबाई पुकारी जाने लगी। कोलकाता जाने के कुछ वक्त बाद रामाबाई के भाई का भी देहांत हो गया, जिसके बाद उन्होंने 22 साल की उम्र में विपिन बिहारी मेधावी से विवाह किया, जो पेशे से वकील थे। दोनों ने मिलकर पश्चिमी दर्शन और विचारों का अध्ययन किया। उनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने मनोरमा रखा, पर शादी के अगले ही साल रमाबाई के पति का भी देहांत हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपना जीवन महिला शिक्षा, बाल विवाह एवं विधवाओं के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। रमाबाई ने पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की एवं मशीनरी गतिविधियों में शामिल हो गई। उन्होंने तत्कालिक पुरुषवादी एवं ब्राह्मणवादी समाज की परंपराओं एवं मान्यताओं पर तर्कों के साथ आलोचना करना प्रारंभ किया और महिलाओं की निम्न स्थिति पर सवाल उठाना शुरू किया। वह समाज की वास्तविक प्रगति के लिए आत्मनिर्भरता के विचार में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। साल 1882 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक शिक्षा आयोग नियुक्त किया, जिसका नाम रखा गया द हंटर एजुकेशन कमीशन, जिसमें पंडिता रमाबाई ने सक्रिय भूमिका निभाई और अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में उन्होंने महिला शिक्षकों, महिला डॉक्टरों और महिला इंजीनियरों की आवश्यकता पर बल दिया। ब्रिटिश सरकार ने इनके सिफारिशों को स्वीकार करते हुए इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। अपने ब्रिटेन प्रवास के दौरान पंडिता रमाबाई ने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन पुस्तक को लिखा, जिसमें उन्होंने एक हिंदू महिला होने के दुष्परिणामों की विस्तार से चर्चा की। साल 1889 में रमाबाई भारत वापस आई और 11 मार्च को उन्होंने 20 लड़कियों के साथ मिलकर मुंबई में शारदा सदन खोला। इसके अंतर्गत महिलाओं को पढ़ना लिखना, इतिहास, पर्यावरण आदि से जुड़ी जानकारी तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता और महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन तथा आजीविका के लिए सामाजिक स्वीकृति भी प्रदान की जाती। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को सहारा देने हेतु कृपा सदन नाम की एक महिला आश्रम की स्थापना की। जीवन भर महिला अधिकारों एवं भारत के सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध प्रखर आवाज उठाने वाली इस महान महिला की 5 अप्रैल 1922 को मृत्यु हो गई। इनके जीवन के संघर्ष को देखते हुए शुक्र ग्रह के एक क्रेटर का नाम रमाबाई मेधावी रखा गया। इसी के साथ यूरोपियन चर्च द्वारा 5 अप्रैल को उनकी याद में फीस्ट डे मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा 1989 में रमाबाई की स्मृति पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया,
पंडिता रमाबाई को भारत की पहली फेमिनिस्ट भी बोला जाता है। दोस्तों आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 23 अप्रैल की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1616 में अंग्रेजी साहित्य के महान कवि और नाटककार विलियम शेक्सपियर की मृत्यु हुई। साल 1908 में जर्मनी, डेनमार्क, ब्रिटेन, स्वीडन, हॉलैंड और फ्रांस के बीच उत्तरी अटलांटिक संगठन संधि पर हस्ताक्षर किए गए। वही साल 1984 में वैज्ञानिकों ने एड्स के वायरस के बारे में पता लगाया। साल 1985 में कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी कोका कोला ने 99 साल बाजार में रहने के बाद एक नए फॉर्मूले के साथ नया कोक मार्केट में उतारा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।